अभी इस सत्र में ये एक टॉक शो होगा फॉरगिवनेस के ऊपर, और इसके लिए हमारे विशेष हमारे इस यज्ञ के बहुत सीनियर ब्रदर भ्राता मोहन सिंगल जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और मंच पर अपना आसन ग्रहण करें, और साथ साथ में मीरा दीदी जी भी, दीदी आप भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। हम करतल ध्वनि से हमारे विशिष्ट और बहुत सीनियर दोनों बाबा के बच्चे, हम सबके प्रेरणा स्वरूप दीदी और भ्राता जी का बहुत बहुत स्वागत है। जब हम पावर ऑफ फॉगिवनेस की बात करते हैं, नॉर्मली फॉगिवनेस हमने सुना या समझा है कि फॉरगिव करना, मतलब ये करने वालों की बड़प्पन है ना, एक पिक्चर यही आता होगा हम सबके, फॉरगिव करना मतलब ये बड़ी बात है। एक्चुअली फॉरगिवनेस क्या है, ये कोई करने वाली चीज़ नहीं है। फॉरगिवनेस का सिंपल मीनिंग है, मैं अपने आप को फ्री करती हूँ, आई सेट माई सेल्फ फ्री फ्रॉम एनी पेन ऑफ द सिचुएशन। क्योंकि वॉट इज एक्चुअली द साइंस ऑफ अ सिचुएशन, एक गलती कर रहा है और एक है जो उसका अटैक बैर कर रहा है, दो व्यक्ति इन्वॉल्व है उसमें, गलती करने वाला और दूसरा। अब कौन किसको क्षमा करे, क्योंकि अब जो यहाँ गलती कर रहा है वो भी एक तरह से डीप पेन में है। सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, कोई गुस्सा ही कर रहा है, गुस्सा करना मतलब अपने आप को तो सजा देना है, दर्द देना है। अब जो दर्द में रहेगा वो नेचुरल है, वही एनर्जी दूसरों को भी देगा, तो दूसरा अब उसका गुस्सा का अटैक बैर कर रहा है। अब इसमें एक गलती करने वाला है, एक फेस करने वाला है, इसमें साइंस क्या हो रहा है, जो फेस कर रहा है वो खुद भी अभी पेन में जा रहा है, उसको दर्द हो रहा है, और उस दर्द के कारण वो और नेगेटिव सोचता जा रहा है उस व्यक्ति के लिए, राइट? और उस व्यक्ति को बार बार शायद और हेट्रेड, एनी नेगेटिव एनर्जी उसको भेजता जा रहा है, उसके लिए क्रिएट करता जा रहा है। मतलब जितना वो क्रिएट कर रहा है वो खुद भी पेन में है, वो भी पेन में है। अब किसको क्षमा करनी है, जो गलती कर रहा है उसको क्षमा चाहिए? क्षमा ये कोई देने की चीज नहीं है, इट्स जस्ट अ पॉजिटिव एनर्जी मैं उस सोल के लिए क्रिएट कर रही हूं, क्योंकि जो गलती कर रहा है वो वैसे ही लो है, वैसे ही दर्द में है, तो जिसको मिल रहा है वो कितना उसको उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है, कर सकता है, तो ये इसकी उसकी पावर है। अच्छा, फिर उसने क्रिएट कर ली, फॉर एग्जांपल उसने जो गलती किया, अब उसने बाद में रियलाइज किया, अच्छा रियलाइज कर लिया, और लेकिन उसकी वो जो कुछ बोला अगले को तो वो पूरा अभी तक उसके लाइव है कि ये मुझे बोला। अब इसने यहाँ से सॉरी बोल दी, रियलाइज भी कर दिया, लेकिन क्या इसका सॉरी बोलना, रियलाइज करना उसका पेन खत्म कर सकता है? इसने यहाँ से बोल दिया है लेकिन वो आत्मा अभी दर्द में है,
क्योंकि इतना कुछ कह दिया था, तो इसका सॉरी बोलना फायदे में है या उसको सॉरी बोलना या उसको माफ करना जरूरी है? तो ये डीप केमिस्ट्री इन्वॉल्व है दोनों के बीच में। तो इसमें क्योंकि प्रॉब्लम ये है, हम सोच रहे हैं एक साइड वाला गलती कर रहा है, इसमें कौन गलती कर रहा है, गुस्सा करने वाला या सामने जिसको मिल रहा है उसको, कौन गलती कर रहा है आपके हिसाब से, क्या कहेंगे आप? हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू से बोथ और ओनली वन पर्सन? एक्चुअली सी वॉट एवर, एक ने मिस्टेक की और दूसरा दुखी होके नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है, वो मिस्टेक नहीं कर रहा है? इन अ वे बोथ आर इन पेन, मतलब बोथ आर डूइंग मिस्टेक, वॉट एवर आई एम एबल टू बी, आई एम पावर, यू कैन प्रोवोक मी, मुझे सर ये ठंडा हुआ और झुकाम मुझे हो जाता है, आपको तो नहीं हुआ झुकाम, तो प्रॉब्लम किस में है? मेरे में भी तो है ना। तो इसी तरह गलती करने वाला उसको उसकी जो एनर्जी है, और यहाँ जो गलत सोचने लग जाता है उसके कारण, उसकी भी प्रॉब्लम है। तो अब दोनों को क्षमा चाहिए, अर्थात दोनों को क्या करना है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच हमारे आदरणीय भाई साहब और दीदी उपस्थित है। तो सबसे पहले दीदी से मैं प्रश्न करती हूँ। दीदी, अभी ये जो केमिस्ट्री हमने बताई कि इसमें गलती भी हुई और उसने भी गलती की, अब इसमें सबसे पहले मुझे आपने गुस्सा किया, मैं वो क्रिएट ही नहीं करूँ पेन, मैं गलती नहीं करूं, या अगर मैंने कर लिया, पहले तो मैं नहीं करूं, उसके लिए मैं क्या कर, मुझे क्या करना चाहिए, और अगर मैंने कर लिया अब मुझे कैसे फॉरगिव करना है आपको? ओम शांति। बेन ने बताया कि एक ने क्रोध किया, पेन उसको भी हुआ और जिसके ऊपर क्रोध किया उसको भी हुआ, तो अभी क्या करें? भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देनी है क्षमा वीरस्य भूषणम। भारतीय संस्कृति में क्षमा जो है वो कहा जाता है कि वही व्यक्ति दे सकता है जो वीर है। वीर जो है उसके लिए क्षमा जो है वो एक आभूषण है। आप सभी को पता होगा कि 7 जुलाई यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पूरे देशों में विश्व माफ दिन, ग्लोबल फॉरगिवनेस डे के रूप में मनाया जाता है। कि क्षमा का महत्व क्या है? जो व्यक्ति क्षमा देता है वो व्यक्ति बहादुर होता है, और जिस व्यक्ति वो क्षमा को स्वीकार करता है वो व्यक्ति शक्तिशाली कहा जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जिस व्यक्ति को हम क्षमा देते हैं वो व्यक्ति की ऐसी लायकात नहीं है, लेकिन क्या उसकी लायकात के ऊपर हम क्षमा देंगे? अगर हम उसको क्षमा नहीं देते हैं तो हम अपना ही नुकसान करते हैं, हमारी स्वयं की जो मन की शांति है वो मन की शांति ही गायब हो जाती है, हमारा स्वयं का मन डिस्टर्ब हो जाता है, मन प्रसन्नचित नहीं रहता, मन खुश नहीं रहता है। और जहां पर क्षमा की बात आती है वहां और एक बात है कि क्षमा कौन नहीं दे पाता? जो ईगो में है, ईगो की भी इसमें बात है, दोनों के लिए ईगो की बात है, जो क्षमा
देता नहीं और जो क्षमा लेता नहीं। वैसे जैन के अंदर एक त्यौहार आता है जिसको पर्युषण कहते हैं, और उसका जो लास्ट दिन होता है उसको क्षमापना का दिन कहा जाता। और उस दिन मिच्छामि दुक्कड़म ये शब्द कहते हैं, उसका ये अर्थ होता है और इतना उसका महत्व है। उसका अर्थ ये होता है कि पूरे साल में हमने मन वचन और कर्म से कोई भी रीति से आपको हर्ट किया है, आपको दुख पहुंचाया है और आपको हमारे कारण कुछ नुकसान हुआ है, हमारी ऐसी कुछ भूल हो गई है, तो आप हमें क्षमा करना। तो जब एक व्यक्ति मिच्छामि दुक्कड़म कहता है तो सामने की जो व्यक्ति होती है वो भी सामने मिच्छामि दुक्कड़म कहता है। आप गांधी जी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। एक बार ऐसे हुआ कि जहाँ उनका आश्रम था तो वहाँ पर विदेशियों ने क्या किया कि एक खबरी को वहाँ पर रख दिया और वो खबरी आश्रम में रहने लगा। दूसरे जो सारे उसके साथ में रहते थे उनको उसके ऊपर शंका आ गई, तो उन्होंने जाकर के गांधी जी को कहा कि हमें ये व्यक्ति ठीक नहीं लग रहा है और ये अभी 2 मास से नया नया यहाँ पर रहता है, आया है, आप जरा इनके साथ बातचीत करिए। गांधी जी ने उस व्यक्ति के साथ बातचीत किया तो गांधी जी ने उसको बातचीत करते करते बहुत ही प्यार से बात किया, तो उसने कहा कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, मुझे धन की बहुत आवश्यकता है, तो मैंने ये कार्य लिया है कि उनको विदेशियों को आपका सारा सुबह से रात्रि तक आपका जो भी कार्यक्रम है वो सारा समाचार मुझे उनको सुनाना है। तो गांधी जी ने उनको कहा कि ठीक है, ये जो विंडो है वो आधी खुली होगी आधी बंद होगी और वहाँ रोज का मेरा क्या कार्यक्रम है वो उसमें एक लेटर में लिख करके मैं वहाँ रख दूँगा, आप ले जाना और विदेशी को भले आप दे देना। तो 2-3 मास तो ऐसे चला, फिर विदेशी को बहुत ऐसे लगा कि ऐसा कैसा है कि ये इतना अच्छा व्यक्ति और सुबह से रात तक इतना एक्यूरेट, एक एक बात गांधी जी की हमको बता रहा है, ऐसा कैसा ये हो सकता है। तो उन्होंने थोड़ा देखा आगे तो पता चला कि गांधी जी ने खुद ने उनको अपना समाचार रोज दे रहे थे। इतना आश्चर्य खा गए, वो इतना आश्चर्य खा गए, माना यहाँ तक ये बात पहुँच गई। वैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था में कहा गया है कि अपकारी के ऊपर भी उपकार करना है, और परमपिता परमात्मा तो है ही क्षमा के सागर। संस्था के जो चीफ आदरणीय शांतिदूत जानकी दादी जी हैं 103 साल के, वो हमेशा कहते हैं कि फॉरगेट एंड फॉरगिव, पहले आप भूल जाओ कि सामने वाले ने कुछ भूल की है और मुझे दुख दिया है, और फिर आप उसको क्षमा दे दीजिए, उसमें आपका ही टेंशन नहीं रहेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए और क्षमा दे देनी चाहिए। बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गांधी जी का, और उसमें आपने जो लास्ट बात कही फॉरगेट एंड फॉरगिव, तो जैसे क्लियर है कि पहले फॉरगेट करना है और उसके बाद फॉरगिव है, लेकिन वो भूले कैसे? बात बार बार याद आती है, जब तक, अब कब तक है वो हमको पता है कि जब तक वो पेन है तब तक वो बात बार बार याद आती रहती है। तो क्या करें कि भूल जाए, उसके लिए हमारे आदरणीय भ्राता जी आपका क्या सुझाव है? बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति जब पैदा होता है तो उस पे 2 शक्तियाँ उसके पास होती हैं, हर बच्चे के पास जब वो जन्म लेता है तब से ही।
एक है याद रखने की शक्ति, एक है भूलने की शक्ति। ये हर व्यक्ति के पास होती है, लेकिन जीवन की विडंबना ये है कि जो बात हम याद रखना चाहते हैं वो तो हमें भूल जाती है, और जो बात हम भूल जाना चाहते हैं वो हमें बरसों तक याद रहती है। ये एक दिस इज़ द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। तो क्या करें ऐसी परिस्थिति में? एक बहुत अच्छी कहावत है, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स। ये कहावत है, ये अपने आप में ही बहुत स्पष्ट कहावत है कि मनुष्य भूल जाता है, दूसरों की अच्छाइयाँ उसको याद नहीं रहती, लेकिन अगर किसी ने थोड़ी सी भी उसके साथ कुछ बुराई की है, उसकी कुछ कुरेदा है उसके हृदय को, तो वो बात उसे हमेशा याद रहती है। वो और इसीलिए गॉड के साथ फॉरगिव्स वर्ड लगाता है। ईश्वर है, बहुत विशाल हृदय है, इसीलिए वो भूल जाता है। अब बहन जी का प्रश्न है उसे भूलें कैसे। वास्तव में कोई बात भूलती तो है नहीं, ब्रेन में स्टोर हो गई। यहाँ पर किसी ने मेरे साथ कोई गलत बात की है, अनादर किया है, अवहेलना की है, कोई मेरी भावनाओं को ठेस पहुँचाया है, तो रहेगी तो चीज़ वो अंदर ही। लेकिन भूलने का तात्पर्य यह है कि उसकी उस बात को हम चित पर ना रखें, मन पर ना रखें। होता क्या है कि जब ऐसा व्यक्ति जो कुछ नेगेटिविटी करता है, जैसे ही हमारे सम्मुख आएगा, उसकी शक्ल हम देखेंगे, बस हमारे मन में उसके प्रति वही पुरानी भावनाएं पैदा हो जाएंगी, और हमारा बिहेवियर उससे ही फिर गवर्न होता है। अच्छा, इसने ये किया था, ऐसा किया था, मैं भी ऐसा करूं। और इस कारण से क्या होता है कि जो बहन जी कह रहे थे भूलने की बात है, वो भूल नहीं पाते। तो फॉरगिवनेस की बात यही है कि हम उसकी उस बात को हृदय पर न रखें, चित पर न रखें, और ये महान आत्माओं का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है, महानता का। हम वैसे महान आत्माओं को कुछ को देखें, गौतम बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, मदर टेरेसा हैं, चलो ये तो पुरानी बात हो गई जिनके हम शायद डायरेक्ट संपर्क में ना आए, लेकिन कुछ ऐसी महान आत्माएं जैसे ये प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हैं, मुझे इनके संपर्क में आने का मौका मिला लगभग 6-7 साल तक। और आप जानते हैं कि कोई नई संस्था की स्थापना होती है या किसी भी धर्म की, जब भी हम क्रिश्चियन धर्म देखें या हर एक धर्म स्थापक को बहुत फेस करना पड़ा, और एक तरीके से यह भी एक नई सृष्टि की रचना परमपिता परमात्मा कर रहे हैं, नए राज्य की, नए धर्म की। तो उस रीति से देखा जाए तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इतिहास भी आप जाए देखेंगे तो बहुत फेस करना पड़ा। तो मैंने ब्रह्मा बाबा को देखा, बहुत ऐसे ऐसी भी घटनाएं होती थी, ऐसी परिस्थितियां उनके सामने, अनादर की बात, बहुत उनका अपमान भी कई बार हो जाता था। कई ऐसे व्यक्ति आते थे, बहुत कुछ कह जाते थे, लेकिन अगले ही क्षण, कुछ मिनटों के बाद भी मैंने देखा बाबा बिल्कुल नेचुरल वे में बिहेव करते थे, जैसे वो घटना हुई नहीं। वो घटना हुई थी, उनके हृदय में रही होगी, लेकिन जैसे उसे भूल गए, उस बात पर ध्यान नहीं देते थे, उनका जो फ्यूचर बिहेवियर है उससे गवर्न नहीं होता था। और इस कारण से ही वो व्यक्ति जिसने उस घटना को जन्म दिया, वो आके मैंने खुद देखा कई बार कि उनके चरणों पर गिर जाता था, माफ़ी मांगता था, बाबा ने कभी नहीं कहा। और इसके लिए एक बात मैंने और विशेष देखी कि अगर हम हर व्यक्ति के साथ अपने संबंध नॉर्मल रखना चाहते हैं तो दो बात का विशेष ख्याल रखें। और बाबा में भी मैंने देखा, इस संस्था से मेरा संपर्क भी पिछले लगभग 50 वर्ष से अधिक समय तक का है, जब से मेरी स्टूडेंट लाइफ थी तब से इस संस्था के साथ मेरा संबंध रहा है। और बाबा को ही नहीं, मैंने
दादी जी को, बाबा के बाद जिन्होंने की यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, दादी प्रकाशमणि जी भी, उन्हें भी देखा कि जहाँ तक इस विषय का संबंध है ना, तो दो बातें खास दादी जी एक बात ये कहा करते थे, देखो कहीं भी अगर संबंध में कटुता आती है, कहीं पर भी बात जो क्रोध की बात हो रही थी या किसी भी प्रकार की, वो दो बात से विशेष आती है, दो कारणों से। एक कारण है कम्युनिकेशन गैप। जब भी हमारा किसी के साथ कुछ भी संबंध में कुछ कटुता कुछ शुरू होती है, तो पहली कैजुअलिटी ये होती है कि हमारा कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है। हम उनके साथ बात करने पसंद नहीं करते, सामने भी आएगा हम रास्ता काट करके निकल जाएंगे, एंड वाइस वर्सा वो भी व्यक्ति, और ये कम्युनिकेशन गैप बहुत वाइड होता चला जाता है। तो एक ये कारण होता है, और दूसरा एक मिसअंडरस्टैंडिंग। कोई बात नहीं भी होगी लेकिन मैंने इन्हें बोली, इन्होंने इनको बोली, ऐसे पहुंचते चार पांच के बाद उस व्यक्ति तक बात पहुंचती है, वो बिल्कुल ही जैसे बात का बतंगड़ हो जाता है, बाल की खाल निकल जाती है, और वो और ज़्यादा डेवलप करता है, दिलों के बीच की दूरियां और बढ़ती जाती हैं। तो एक तो जब कहीं पर भी ऐसी बात हो, जैसे बहन जी ने कहा उसे भूलें कैसे, तो भूलने का मतलब भूलेंगे भी तब जब उस बात को हम आगे बढ़ने नहीं दें, और जितनी तक भी हो चुकी है उसमें हम पहल करके, अगर कहीं गैप हो गया है हम इनिशिएटिव ले करके उनके साथ हेलो गुड मॉर्निंग, दूसरा बोलेगा भी नहीं अगर रिस्पॉन्ड नहीं देगा, एक बार नहीं देगा, दो बार नहीं देगा, आप बार बार जाएंगे ओम शांति गुड मॉर्निंग, तो कुछ टाइम के बाद वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली, इसमें हमें थोड़ा झुकने की कला है। ये झुकना तो एक जीवन की निशानी है। ये हमारी बहनें बहुत अच्छा इस पर एक दो लाइन का वो बोलती हैं, और आप सबने भी सुना होगा कि झुकता वही है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। ये है, तो कहीं पर भी अगर हम बिल्कुल ऐसा अपने एटीट्यूड में स्टिफ हो जाते हैं तो ये जीवन की कोई निशानी नहीं है। तो आवश्यकता इस बात की अगर कहीं पर हुआ है, हम इस बात को महसूस करें, इसमें महसूसता की शक्ति चाहिए। कहना बड़ा आसान है कि झुक जाओ, ये कहना हमारा ईगो, जैसा बहन जी बता रहे थे, झुकने नहीं देता कई बार, और ये, लेकिन इसमें पहली है पावर ऑफ रियलाइजेशन, महसूसता की शक्ति। ये महसूस होना चाहिए कि दूसरा भी परवश है, उसकी परवश स्थिति की महसूसता हो हमें, और हमें पर महसूसता भी दो प्रकार की है, एक है दिखावे की महसूसता, एक है दिल की महसूसता। जहाँ दिखावे की महसूसता हम ओपनली कह देते हैं, कभी हमारा दो की बात हुई कि हायर अथॉरिटीज़ पे कोई बात गई तो वहाँ जाके हम सॉरी कह भी दें सपोज़, दिखावे की महसूसता हो जाती है, लेकिन उसके अंदर हमारे विवेक का खून हो जाता है। जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो हमें अंदर बाइट जरूर करती रहेगी, अगर मेरी या किसी कोई दूसरा पॉइंट आउट करे या ना करे, लेकिन मेरी अपनी कॉन्शियसनेस जरूर बाइट करेगी। इसलिए दिखावे की महसूसता ना हो, बल्कि अंदर दिल की महसूसता है। हमारे भाषा में, स्पिरिचुअल भाषा में ये कह देते हैं कि अगर दिल की महसूसता होती है तो दिलाराम, यानी परम पिता परमात्मा को स्नेह वशम दिलाराम कहते हैं, वो सबके दिलों को आराम देता है, बहुत उससे आशीर्वाद प्राप्त होती है। तो दिल की महसूसता दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती है, वो इतनी शक्ति देती है, जिसे बहन जी पॉजिटिव एनर्जी के रूप में रेफर कर रहे थे, कि इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है कि हमें उसे लगभग भूलने की क्षमता, जो इनका प्रश्न था, तो भूलते नहीं हैं, माइंड में रहेगा, लेकिन चूंकि हमने चित पर नहीं धरा, दिल पर उसकी बात को नहीं दी, उसके प्रति कोई बाइसिंग एटीट्यूड हमारा डेवलप नहीं हुआ। हर एक की लाइकिंग और डिसलाइकिंग तो होती है, लेकिन ये बाइसिंग एटीट्यूड अगर डेवलप, उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये और बढ़ता चला जाता है। और इस तरीके से क्या होती है कि ये फॉरगिवनेस हम चाहते हुए भी नहीं दे पाते। तो जैसा बहन जी बता रहे थे ना, तो इसमें कहा है बहुत कि क्षमा करो,
क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं, दोनों की जीत है, विन विन सिचुएशन है ये, नहीं तो दोनों की लूज लूज सिचुएशन रहती है। वो कहता है ये इनिशिएटिव लेके मुझसे ये आइस ब्रेकिंग करें, ये मुझसे बोलना शुरू करें तो मैं भी करूं, दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं बट नोबडी कम्स फॉरवर्ड। दोनों ही भारी होते हैं अपने दिल में, लेकिन उनका ईगो या विजिबली कोई सुपीरियरिटी और इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के पास नहीं आने देता। तो इसीलिए क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो बहन जी बता रहे थे वीरों का आभूषण है, तो आज यहाँ बैठे बैठे हम ये एनालाइज करें इस सेशन के अंदर कि मैं कायर हूँ या वीर हूँ, उस सिचुएशन को डेवलप करें। हमारी लाइफ टाइम में कभी कोई ऐसी बात हुई और हमारा कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हुआ, हम उससे आज तक फ़ोन नहीं किया, बोले नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, रिलेशनशिप लगभग ब्रेकडाउन हो गई है, तो हमें याद है हम ONGC में थे, हमें एक कोर्स कराया गया था और उस समय तो ये मोबाइल वगैरह थे नहीं, फ़ोन, तो हम सबको एक एक पोस्ट कार्ड दिया गया था, यहीं बैठ करके आप अभी लिखो जिससे आपका कुछ कम्युनिकेशन, और उसके अंदर उससे क्षमा याचना करो। और रियली उससे इतना ज़्यादा फीडबैक अच्छा मिला कि जिनसे कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन ऐसा हो गया था उनसे रीएस्टेब्लिश हो गया, दोनों के दिल हल्के हो गए और संबंधों में मधुरता आ गई। बस आवश्यकता इस बात की है, इस बात को, उस शक्ति को जो ऑलरेडी हमारे अंदर है, याद करने की और भूलने की शक्ति, जो वो रिवर्सल हो गया है, जो भूलना चाहते हैं वो याद रह जाती है, तो उस बात को हम रियली भूलें, भूल करके आगे बढ़ें, एक नया चैप्टर शुरू करें और जीवन में इस फॉरगिवनेस का रियल लाभ उठाएं कि जीवन हमारा हल्का होकर और आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात और गहरी बात भाई साहब ने बताई कि कैसे हल्कापन बहुत हेल्प होता ही है अगर हम क्षमा करते हैं तो, क्योंकि कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है वो सबसे बड़ा भारीपन है, और इसलिए फॉरगिवनेस मतलब खुद को हल्का करना। इसलिए जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन सुनी, टू सेट योरसेल्फ फ्री, हम अपना पेन रिलीज कर देते हैं, हम होल्ड नहीं करते, पकड़ के नहीं रखते हैं, और यही नहीं पकड़ना मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जहाँ पकड़ के रखते हैं वहाँ हम ब्लॉक कर देते हैं अपने आप को, और जितने समय तक पकड़ के रखते हैं उतना ज़्यादा ब्लॉकेजेस हम माइंड की भी करते हैं, जो इवेंचुअली हम सबको पता है शरीर पर कितना असर उसका होता ही है। तो पकड़ के तो हम नहीं रखेंगे और फ्री कर देते हैं, लेकिन वो जो ताकत चाहिए उसमें, जैसे आपने कहा कि सेंसिबल बनो, रियलाइजेशन आ जाए, तो इसमें दोनों की रियलाइजेशन होगी कि एक जो गलती किया था और दूसरा जो फेस कर रहा है उसको अपनी गलती की महसूसता हो कि जिसके कारण उसने गुस्सा किया कि मेरी ये मिस्टेक थी, बेशक उसने मैग्नीफाई कर दिया लेकिन मेरी इतनी सी मिस्टेक थी और उस मिस्टेक को मुझे रेक्टिफाई करना है, चाहे उसने कितना भी मुझे एग्जैजरेट किया होगा मेरी मिस्टेक को। आई एम श्योर आप इसी रियलाइजेशन के बारे में कह रहे थे कि ये रियलाइजेशन करना और फिर वापस अपना कम्युनिकेशन उस पर चालू रखना। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम तो चालू रखते हैं जो बैर कर रहा है, उसने गलती की जो बोल रहा है, तो वो बाद में कभी जब उसको रियलाइजेशन होती है तो वो उसका प्रायश्चित होता है या गिल्टी होती है, तो वो गिल्ट में चला जाता है जो प्रायश्चित जिसने गलती की। तो ये गिल्ट करना, ये उसका गिल्टी होना, क्या उसको हम फॉरगिवनेस कहेंगे? इस सोल ने तो रियलाइज कर ली एंड ही इज फ्री, एंड द अदर सोल हु हैज डन द मिस्टेक ही इज नाउ रियलाइजिंग, एंड इन दैट केस देयर आर टू चॉइसेस। फर्स्ट इज ही रियलाइजेस
दूसरा है इफ नॉट, दूसरा ऑप्शन है ही गोज इन टू गिल्ट. अब इसमें दोनों में कौन सा बेटर है दीदी हमको इसमें बताएंगे और क्या करना चाहिए. अब इधर एक जन ठीक हो गया लेकिन दूसरा गिल्ट में है और उस गिल्ट के कारण एक नेक्स्ट उसका ये भी क्वेश्चन है कि कई लोग बहुत प्रायश्चित भी करते हैं. फिजिकली भी हमने देखा कि प्रायश्चित लोग पिनेंस तक करते हैं ना, उसका रिपेंटेंस करते हैं. तो रिपेंटेंस होना और गिल्ट में जाना, मतलब इसमें ऑब्वियसली बेटर कौन सा है और प्रायश्चित करने करना ये क्या एक हीलिंग एनर्जी है और उसका उस जो मिस्टेक रियलाइज कर रहा है उसका उसको कितना फायदा होगा. दीदी से ये सवाल है. संगीता बहन ने जो कहा कि एक गिल्टी फील कर रहा है तो सामने वाली जो व्यक्ति है वास्तव में जब उसको क्षमा दे देती हैं तो एक परोपकार की बात हो जाती है और स्वयं के जीवन के लिए भी ये बहुत आवश्यक है. कहा जाता है टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन. अगर हम किसी को क्षमा नहीं देते हैं और अपने स्वभाव के अनुसार हम जिद्दी बन जाते हैं तो उसका अर्थ यही है कि हमने अपने मन की स्पेस विदाउट रेंट हमने किसी को दिया है. साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि क्षमा नहीं देना और अपनी बात को पकड़ करके रखना कि इसने ये भूल किया ही क्यों, उसका मतलब ये भी है कि स्वयं पॉइजन लेना और उम्मीद और आशा ये रखना कि दूसरों के ऊपर उसकी असर हो जाए. इसमें क्या होता है कि विदेश में यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया है कि जो व्यक्ति क्षमा दूसरों को नहीं देता है उसकी स्वयं की हेल्थ के ऊपर बहुत ही खराब इफेक्ट होती हैं और वो हेल्दी नहीं रहता, लेकिन क्षमा देने वाला हेल्दी रहता है. जो नहीं देता उसकी हेल्थ के लिए क्वेश्चन मार्क है. और दूसरी बहुत महत्व की बात है कि जीवन के अंदर हमें हर पल को एंजॉय करना है. अगर हम अपने वर्तमान को एंजॉय नहीं कर रहे हैं पास्ट की बातों को लेकर के कि इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार खराब किया, मेरी जो अपेक्षा नहीं थी. कभी कभी तो ऐसे होता है कि सामने वाले का व्यवहार खराब नहीं भी होता है लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि इसका व्यवहार ऐसा है. वास्तव में क्या होता है कि पास्ट की बातों को लेकर के जब हम चलते हैं तो हमारे जीवन का विचारों का 80% टाइम साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और साइंटिस्ट तीनों ने मिलकर के ये रिसर्च किया है कि मनुष्य वर्तमान में बहुत कम रहते हैं और 80% विचार जो हमारे चलते हैं दिन में 35,000-40,000 विचार, और क्रोध आता है तो डबल हो जाता है, 80,000 तक पहुंच जाते हैं. तो 80% विचार हमारे पास्ट के रहते हैं. वास्तव में हमें पास्ट को फुल स्टॉप करना है कि पास्ट इज पास्ट. ब्रह्मा कुमारी संस्था की यह शिक्षा है. परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जो बीत चुका वो बीत चुका, रात गई बात गई. रात गई बात चली गई वो, लेकिन हमने उस बात को पकड़ करके रखा है. तो इसमें क्या समझदारी है? इसमें कोई समझदारी नहीं है और ही हम वर्तमान को बहुत अन्याय कर रहे हैं और जो हमारे सामने है वो सबको हम अन्याय कर रहे हैं. कोई 3 आवर्स का ड्रामा देखता है और ड्रामा देखते समय वो वर्तमान का दृश्य नहीं देख रहा है लेकिन वो पास्ट की बातों को याद कर रहा है कि थोड़े समय के पहले ड्रामा में क्या था. तो इसका मतलब कि वर्तमान को वो अन्याय कर रहा है, वो न्याय नहीं दे पा रहा है. तो ये कहाँ तक समझदारी का कार्य है? तो इस बात में हमें बहुत ध्यान देना होगा. थोड़ा इंटरफियर कर रही हूँ. जो आप कह रहे हो कि
वो वर्तमान में नहीं ध्यान दे रहा है, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? जो जिसके जो फेस कर रहा है वो, या जिसने किया गुस्सा उसका? अगर ये सिंपल एग्जांपल में आप बताएं, जैसे इधर ये जिसने किया था उसको गिल्टी फील हुआ, माना उसने भूल किया तो भूल किया उसकी गिल्टी फील हुआ, तो अब ये गिल्ट कॉन्शियसनेस में रहता है और दूसरा ऑप्शन है कि ये प्रायश्चित करे, तो इसमें उसके लिए कौन सा बेहतर है? तो इधर वाला ना तो सुधार दिया, अपने आप को फ्री कर दिया, ये अब इसके ऊपर बॉल इज इन हिज कोर्ट नाउ, सो व्हाट डू यू फील? अभी पहली बात तो ये है कि कोई भी बात की हमें गिल्टी फील नहीं करना है, एक बार हमारे से भूल हो गई सो हो गई, हमें अपने आप को माफ करना है, ये हमारे में क्षमता होना बहुत आवश्यक है। और ये बात के लिए गांधी जी ने भी इस बात में कहा है कि हर एक की ये कैपेसिटी हो, जितनी खुद की कैपेसिटी होती है कि खुद को क्षमा हम दे सकते हैं तो वो व्यक्ति दूसरों को क्षमा जरूर देता है। अच्छा, मतलब इसका जो व्यक्ति स्वयं को आदर कर सकता है, स्वयं को सेल्फ रिस्पेक्ट कर सकता है, समान में जो रह सकता है, वो दूसरों को क्षमा दे ही सकता है। इसका मतलब क्या आप ये कहेंगे, न गिल्ट होना है न रिपेंटेंस करना है लेकिन रियलाइज करना है? नहीं, प्रायश्चित करना वो अच्छी बात है, लेकिन प्रायश्चित करने में दुखी होकर के नहीं करना है, लेकिन मैंने इस बात से सीखा, रियलाइजेशन, और मैंने एक्सपीरियंस किया तो नेक्स्ट टाइम हम ऐसा नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, फिर ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही छोड़ दे ढीला, नहीं, हमें दृढ़ संकल्प करना चाहिए, फर्म डिटर्मिनेशन करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो हम ऐसा नहीं करेंगे। वो है सच्चा प्रायश्चित जो दिल से हमने किया, ऊपर ऊपर से। अच्छी बात कही दीदी ने कि रियलाइजेशन, रियलाइजेशन से एक फायदा कि आगे मैं नहीं करूंगी, जो अभी हो गया उसका सॉरी, और तीसरा बिकॉज अब इसमें लॉ ऑफ कर्मा है, उसने जो गुस्सा किया सिंपल या जो भी मिस्टेक की उसका तो उसको उसका कार्मिक अकाउंट है, उसको तो आना ही है, तो क्या इसने रियलाइज किया गुस्सा और प्रायश्चित भी कर ली, सॉरी भी कह दिया, तो उसका कार्मिक अकाउंट में कुछ फर्क पड़ेगा? कार्मिक अकाउंट में फर्क पड़ेगा। दीदी मैं और क्लियर करना चाहती हूँ, दो बातें हैं, एक सफरिंग है, एक कॉन्सिक्वेंसेस है, विच इज द कार्मिक अकाउंट, कि नेक्स्ट टाइम अगेन एंड अगेन ऐसा कर्म वो नहीं करेगा, तो वो अपना अकाउंट से जो माइनस हो रहा है उससे वो सेव हो जाएगा, कि उतना फायदा होगा उसको, उतना फायदा। हाँ। लेकिन जो उसने किया, चाहे रियलाइज कर लिया, उसका आगे के लिए फायदा होगा, लेकिन जो किया उसका तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको उसी समय मिल जाता है ना, उसका मन बहुत अशांत रहता है उसी समय, ऑन द स्पॉट मिल जाता है, और भी जितना भी कार्मिक है ऑन द स्पॉट हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब जो भी रियलाइजेशन हुई उसका ये बेनिफिट हुआ कि उसको पावर मिली, पॉजिटिव एनर्जी, कि अब जो उसका कार्मिक अकाउंट अदरवाइज भी आना है, जो उस समय तो शांत हो गया, लेकिन ही विल हैव दैट पावर टू फेस that consequences, but लेकिन अगर guilt में है तो he won't be able to be has the have that power to face the, क्योंकि वो तो वैसे ही आना है। तो अब जो कहते हैं कि आधा माफ हो जाता है, तो ये जो concept है, अगर आपने confess किया आप आधा, वो आधा माफ हो जाता है, तो ये आधा माफ होना, ये भाई साहब से question है कि क्या इसका साइंस है? देखिए, कर्मों की गति बहुत गुह्य है, इस इंस्टीट्यूशन में बताते हैं, और वो कर्म कब अकर्म होते हैं, कब विकर्म होते हैं, कब सुकर्म होते हैं, ये तो एक डिफरेंट चैप्टर है, यहाँ शिविर में भी आपको शायद अंतिम दिवसों में बताया जाएगा। भाव क्या है इसका कहने का, जो मैं समझता हूँ, जो कर्म कर लिया और उससे अगर आपको गिल्टी कॉन्शियसनेस महसूस हो रही, आप भारी हैं, आपका स्ट्रेस है, नींद ठीक नहीं आ रही है, वगैरह वगैरह, तो बता देने से वो आधा माफ़ हो जाता है, जैसा ये बता रही हैं। मैं समझता हूँ इसका भाव ये, एक तो बात यह है कि प्रॉपर जगह बताई जाए,
जो भाई डस्टबिन होता है, कचड़ा है, वो उसमें ही डाला जाएगा, तब तो इट मीन्स समथिंग। और उसको अपने घर से साफ करके स्ट्रीट में फेंक दिया, दूसरे के घर में डाल दिया, इट डजंट मेक एनी सेंस। और इस विषय में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बाबा को के संपर्क में आया जो चीफ यहाँ की एग्जीक्यूटिव रही हैं प्रकाशमणि दादी जी, 37 साल तक लगभग उनके बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट में, तो एक बात हमने ये देखी कि अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बहुतों से नुकसान भी हो जाता था, कई बात ऐसी होती थी, तो नॉर्मली तो ये होता है हम हीट ऑफ द मोमेंट में भाई किसी से कोई बहुत वैल्यूबल चीज़ टूट गई तो एकदम गुस्सा हो जाएंगे, अरे दिखता नहीं है तो मैं अंधे हो गया और आदि आदि ऐसी बहुत बात। तो एक तो पहले ही वो पास कर रहा है थोड़ा लो लेवल पर गिल्टी कॉन्शियस होके, और साथ में हमने उसे ये कह के और फर्दर डिप्रेशन में ला दिया। तो इनकी बड़ी अच्छी टेक्निक थी जो इंस्टीट्यूशन में मैंने देखी, और जो मैं समझता हूँ हर एक मैनेजर को अपने लाइफ में यूज़ करनी चाहिए। वो उसे बोलते थे चलो उस वक़्त कोई बात नहीं, चलो हो गया, आगे से ख्याल रखना, अलग से बुलाया। तो यू अप्रिशिएट इन पब्लिक एंड गिव करेक्शन इन प्राइवेट, ये एक प्रिंसिपल जो है ये हम सब के लिए है, क्योंकि एवरीबडी एक्सपेक्ट अप्रिसिएशन। तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे तो बाबा का हम देखते थे, दादियों का देखा कि बस अरे देखो तुमने ये काम किया, इससे यज्ञ को इतना फ़ायदा हुआ, तुमने ये नई टेक्निक यूज़ करी, इससे ये सेविंग हुई आदि आदि। पहले उसको अप्रिशिएट करके उसका मेंटल रिसेप्टिव लेवल हाई कर देते थे, ये फ़ायदा ये फ़ायदा। तो हर एक अपनी अप्रिसिएशन चाहता है बहुत, तुम्हें और क्या क्रिएटिविटी कर रहे हो, क्या नया है आदि पूछ करके, और ये सब बता के जब उसका रिसेप्टिव लेवल मेंटल लेवल काफ़ी सफिशेंटली हाई हो जाता है, तब उसे उसका वो गलती का रियलाइजेशन, देखो ये सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारे द्वारा ये जो गलती हुई इससे देखो ये। इससे पहले मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% केसेस में अगर जब उसको गलती बताई जाती थी वो पहले ही अपनी गलती को स्वीकार कर लेता था। क्यों? क्योंकि उसका मेंटल लेवल इतना हाई कर दिया, अब उसे रियलाइज हो रहा है कि हाँ ये मेरी भूल है, गलती उसने की है। लेकिन हम उसे जब और ही उसको डाउन कर देते हैं, अंदर से रियलाइज करें लेकिन बाहर से उसके सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका ईगो उसे ये स्वीकार नहीं करने देता, और वो भी अपोजिशन में और आगे आ जाता है। तो पहले अगर किसी को करानी है उसको अप्रिशिएट करके, उसकी पास्ट अप्रिशिएटिव बातों को उसको रिमाइंड करा के, तब अगर हम उसे करते हैं तो हमने देखा लाइफ लॉन्ग के लिए उनको ये रियलाइज हो जाता है, फिर वो गलती दोबारा रिपीट नहीं होती। तो एक आवश्यकता ये है हम लोगों को भी कि हम भी हीट ऑफ द मोमेंट में अपना जो पीस ऑफ माइंड है उसको खो ना दें, और दूसरा उसको टाइमली रियलाइज करवाएं। एक बात जो बहन जी पूछ रहे थे अभी, आधा माफ़ हो जाता है, इसका भाव ये है कि जब उसे रियली दिल का रियलाइजेशन होता है और बाद में वो गलती नहीं करता करता है उसे, तो उससे क्या है आधा माफ़ माने। अदरवाइज़ अगर वो इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहता, वही गलतियां उससे कई बार रिपीट हो जाती, और अब वो चूंकि वो गलतियां और नहीं कर रहा है, आधी माफ़ हो गई माने, जैसे कहते हैं ना अब इलेक्ट्रिसिटी सेव्ड इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, कोई भी एनर्जी सेव अगर हम कर रहे हैं तो इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ जनरेशन। तो इस रीति से ही अगर हमने उसे सुधार दिया, उसे रियलाइज हुआ, तो एक तो ये माफ़ की बात आ गई। दूसरी बात, जब कोई भी गलती किसी से होती है और जिसकी गलती होती है जिसके अंडर में वर्क करता है, तो दोनों की ही इन सम रिस्पेक्ट पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस ये बिगेस्ट कैजुअल्टी हो जाती है सटल लेवल पर। फिजिकल लेवल पर तो जो नुकसान हुआ हुआ ही, लेकिन फॉर ए लॉन्ग टाइम सटल लेवल पर ये पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस का एक बड़ा अच्छा है फार्मूला किसी ने दिया है, वेरी सिंपल फार्मूला, साइंटिस्ट ने जैसे x इज इक्वल टू ए बाई बी तो उसे डिफाइन किया है। हैप्पीनेस कैन बी डिफाइंड एज अचीवमेंट्स
divided by expectations. So more the level of achievements, because it is in numerator, more the level of achievements, higher the level of happiness. But in denominator, there is expectation. More our expectations are there, then lesser the peace of mind or peace of happiness. क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन होती हैं परफेक्ट ना हम हो ना हो परफेक्ट लेकिन हम दूसरे से ये एक्सपेक्ट करते हैं इसका काम परफेक्ट होना चाहिए ये होना चाहिए और एक्सपेक्टेशन हमारी हाई हो जाती है एंड डिनोमिनेटर में एक्सपेक्टेशन है तो इफ हायर द एक्सपेक्टेशन लेसर द हैप्पीनेस क्यों क्योंकि नोबडी कैन बी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एवरीबडी ट्राइज टू बी तो इसीलिए हम क्या करें अचीवमेंट इज इन अवर हैंड up to some good extent, but not the this thing. तो इस कारण से अभी एक हमें ये देखना है कि जब कोई भी हो achievements हम बढ़ाते जाएँ प्राप्ति स्वरूप होते जाएँ जो यहाँ पर बताया जाता है और expectation हम कम रखें और expectation थोड़ा कम होगी realistic होगी बहुत theoretically and very high expectation होती हैं and all the expectations are not likely to be fulfilled तो इसलिए एक तो अगर हम happiness जीवन में चाहते हैं और ये happiness आती है तो peace of mind भी आ जाता है और peace of mind के भी एक इसी तरह formula है peace of mind can be defined as a number of desires fulfilled divided by number of desires unfulfilled, you see. So more the number of, everybody is having desires, nothing wrong. Honi bhi chahiye agar ambitions, aage badhna chahte hain hum, kisi bhi level mein, kisi bhi field mein kaam kar rahe hon, har ek koi aadmi aage badhna chahta hai. So more the number of desires hain, aur jitni jitni fulfill hoti jati hain, utna humara peace of mind and happiness level बढ़ता जाता है यस फाइन लेकिन इन डिनोमिनेटर अनफुलफिल्ड डिजायर्स आर देयर तो वो अनफुलफिल्ड डिजायर्स जितनी होती हैं वो हमारी पीस ऑफ माइंड को कम कर देती हैं तो हमें ये देखना है कि हमारे डिजायर्स जो हैं और वो उसका डायरेक्ट कनेक्शन मेडिटेशन से है जब मेडिटेशन हम करते हैं तो उससे क्या हमारे मन के ऊपर काफ़ी हद तक नियंत्रण होता चला जाता है और मन पर जब नियंत्रण होता चला जाता है तो हमें बहुत क्लियर कट दिखाई देता है कि इन चीज़ों से मुझे क्या प्राप्ति है इन चीज़ों से क्या प्राप्ति पूरी नहीं है तो हम ये समझते हैं कि बहन जी ने जो पूछा कि आधा माफ़ हो जाता है उसका भाव ये है एक तो भविष्य में करने से बच जाएंगे हम जो बाबा कहते थे बहन जी ने भी कहा और हमारी जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मम्मा थी जगदम्बा सरस्वती जी तो वो कहा करते थे हाँ एक बार की हुई भूल दोबारा रिपीट ना हो और मम्मा का ये जीवन का एक अपना अनुभव था तो भूल सबसे होती है बहन जी जैसे बताया टू एयर इज द ह्यूमन तो इस कारण से वो हो लेकिन वो फर्दर बार बार रिपीट ना हो वो तब होगी जब हमारे जीवन में परिवर्तन की शक्ति हो महसूसता तो आ गई महसूसता के बाद लेकिन हम चाहते हैं परिवर्तन करना लेकिन परिवर्तन कर नहीं पाते क्योंकि परिवर्तन भी एक शक्ति है और परिवर्तन की शक्ति तो जीवन में हम सब ने पढ़ा है कबीरदास हो सूरदास तुलसीदास कवि भरत हरि कोई भी होके गए हैं वो उनमें भी परिवर्तन हुआ सूरदास के लिए भाई उसने देखा जब उसका आँखों से भाई विकार की भावना नहीं गई आँखें फोड़नी लेकिन उसकी रचनाओं से पता चला मन पापी है ये नीच है कपटी है कि इवन आँखें फोड़ने के बाद भी वो जो आँखें फोड़ने का पर्पस था वो फुलफिल नहीं हुआ क्योंकि मन के अंदर भावनाएं होती हैं मन में काम क्रोध लोभ मोह विकार मन में है इसमें आँख का क्या दोष ये तो हमारी कर्मेंद्रिय हैं विंडोज़ हैं जो इसके द्वारा देख रही हैं मन के अंदर तो वो विचार को अगर कंट्रोल नहीं किया तो ये इंस्टीट्यूशन की यही ब्यूटी है जो मेडिटेशन की कि मन पर नियंत्रण सिखाते हैं जिससे कि हमारी कर्मेंद्रियाँ भी हमारे वश में हो जाएं इससे पहले के सेशन में मैं देख रहा था जो हमारी फाइव सेंस ऑर्गन्स वगैरह हैं बता रहे थे उन सब के ऊपर भी वो आप सबको भी मालूम है तो इसीलिए
एक तो ये आवश्यकता है कि हम अपने ऊपर ये नियंत्रण, ये मन का नियंत्रण करेंगे, और जितना मन के अंदर सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आएगा, गिल्टी कॉन्शियसनेस कम हो गया, इट इज़ एज गुड एज हाफ ऑफ द सिंस आर जस्ट फॉर गिवन बाय द गॉड. थैंक यू वेरी मच. भाई साहब ने बहुत बहुत अच्छे से बताया. फर्स्ट प्रेज विक्ट्रीज जो है, अप्रिसिएशन इन पब्लिक एंड करेक्शन इन प्राइवेट. और इसीलिए कहा है कि फर्स्ट प्रेज देन रेज. और ये बहुत बड़ा एक टीम को मैनेज करने का एक बहुत बड़ी क्वालिटी भी है, और अपना भी एस्टीम, सेल्फ एस्टीम उतना रखने का, मेंटेन रखने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है. तो इसी को हम लास्ट में, दीदी अगर आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स सुनाना है उसके बारे में तो. एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हमें अपना हृदय जो है वो विशाल रखना है, और औरों में हमेशा गुण देखने की हमें आदत अपने में डालनी है, कि हम अवगुणों को ना देखें लेकिन हम गुणों को देखें. और कई ऐसी किसी की बातें हैं भी उसके संस्कार के अनुसार, तो फिर हम उसको लेट गो करें. एक बार गौतम बुद्ध सत्संग कर रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, और बहुत सारे यंगस्टर्स वहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे, तो काफ़ी 10 दिन से वो सुन रहे थे. तो उसके जो पिताजी थे, वो युवा के पिताजी थे, वो बिजनेस कर रहे थे, और उनको ये लगा कि वहाँ जाकर के टाइम पास कर रहे हैं और बिजनेस में ध्यान नहीं दे रहे हैं. तो उनको बहुत क्रोध आ गया, बहुत ही गुस्सा उनको आ गया. तो एक बार वो आ गए अपने बच्चों को लेने के लिए गौतम बुद्ध के पास, वहाँ सत्संग चल रहा था, वहाँ पर वो पहुँच गए. और वहाँ पर पहुँच करके उन्होंने उनके चेहरे पर थूका, तो भी गौतम बुद्ध ने ऐसे ही शांति का, जो उनका चेहरा था वही का वही उनका चेहरा था, और कुछ भी एक शब्द उन्होंने बोला नहीं, वो व्यक्ति घर चला गया. और घर जाकर के सारी रात वो सो नहीं पाया. सारी रात उसको विचार आया कि ये व्यक्ति कैसा है, इसने कुछ भी सामने कुछ भी कहा भी नहीं, नाराजगी भी उसने जताई नहीं, तो ये व्यक्ति जो है वो जरूर संत है. फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग आकर के उनको पांव पड़ा कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ. तो कभी कभी ऐसे होता है कि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है और आंतरिक जो स्थिति होती है, उसका भी सामने वाली व्यक्ति के ऊपर बहुत बहुत उसका प्रभाव होता है, जिसमें काफ़ी सारे विश्व के अंदर ऐसी व्यक्तियाँ हैं नामी ग्रामी, जैसे मार्टिन ल्यूथर किंग. 26 ईयर्स वो जेल में थे, परंतु बाहर निकलने के बाद में कभी उन्होंने बदला लेने का नहीं सोचा, दुश्मनावट किसी से भी नहीं रखी, लेकिन उन्होंने देश के विकास के लिए ही ध्यान रखा. ऐसे ही नोबेल प्राइज जिनको मिला था वो नेल्सन मंडेला जी, उन्हों का भी ऐसी ही बातें हैं कि उन्होंने कभी किसी के साथ बदला नहीं लिया. तो ऐसी बहुत सारी व्यक्ति हैं, तो हमें ये बात भी एक ध्यान में रखनी है कि अपना हृदय को हम विशाल रखें. ओम शांति. बहुत बहुत धन्यवाद दीदी ने, बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए. वास्तव में सार तो यही निकलता है, ग्रेटनेस फॉरगिव करना है, अर्थात किसी की भी कोई बात को समझना है, न कि चित्त पर रखना है. और चित्त पर रखना अर्थात अपने आप को हम दूषित करते जा रहे हैं. और जितना हम उस सोल के लिए एक प्रैक्टिकल हम करते जाए, जिसके लिए भी हमको लगता है कि ये मिस्टेक उस सोल ने की, अगर हम बार बार उनको इसी तरह इमर्ज करें कि ये मेरा बहुत गुड फ्रेंड है, मेरा बहुत गुड फ्रेंड है, बहुत अच्छा है, बिकॉज़ हमको उसकी अपोजिट एनर्जी देनी है जो उसके अंदर मेरे प्रति है. तो जितना हम सभी का अनुभव है, शायद आप लोग में से बहुत हमारे पीस ऑफ माइंड चैनल देखते होंगे, तो उसमें काफ़ी ये समाधान प्रोग्राम्स आते हैं कि किसी की भी कुछ भी बात, लेकिन उसको मुझे जो बनाना है वो थॉट, वो मुझे, मैं बार बार उसको देती जाऊँ और दिल से देती जाऊँ
कि वो गुड फ्रेंड है, गुड फ्रेंड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हम सुबह उठते ही, एकदम उठते ही, तो फर्स्ट 10 मिनट्स जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है सोते समय और उठते ही, उस समय अगर वो सोल को जिसके प्रति भी मुझे ऐसी फीलिंग है, बार बार वो पॉजिटिव थॉट कि ये अगर वो हस्बैंड है तो बहुत गुड है, अगर वाइफ है, बच्चा है, तो उस तरह की बार बार थॉट्स पूरे दिन उसके लिए क्रिएट करना, उसी को हम फॉरगिव कहेंगे। बहुत सिंपल तरीका है। इसलिए कहते हैं कि क्षमा बड़ों को होत है, बहुत फेमस दोहा है हमारे हिंदू धर्म का, कहते हैं क्षमा बड़ों को होत है, छोटों को उत्पात, कहाँ कृष्ण की घट गई जो भृगुजी मारी लात। श्री कृष्ण सोए थे और ऋषि भृगुजी ने, वो आ रहे थे, देखा नहीं और उसको लात मार दी, उसको श्री कृष्ण के ऊपर छाती पे, तो उनको वो एकदम उठे और तुरंत उनके पैर, क्योंकि ऋषि थे भृगु ऋषि, तो बोला पैर पकड़े और कहा कि माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपके पैर बहुत कोमल है, मेरा हृदय कठोर है, कहीं आपको तो चोट नहीं लगी। उनका ये वर्ड ही भृगु जी को, जो गुस्से में थे, वो एकदम ठंडा कर दिया। यही होती है बड़प्पन, जितना हम फॉरगिव करते हैं यही हमारी ग्रेटनेस है। ग्रेटनेस के लिए और कोई ज़रूरत ही नहीं है, केवल अंदर ये फीलिंग रखो। दीदी को कुछ कहना है? मुझे एक बात याद आई कि क्षमा जो है वो हमारे जीवन की वैल्यू है, हमारे जीवन का मूल्य है, तो हमें वो धारण प्रैक्टिकल लाइफ में करना ही करना है। और उसके लिए शक्ति चाहिए, हमें अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना होगा, और शक्तिशाली बनाने के लिए मेडिटेशन की आवश्यकता होती है। वैसे कहा गया कि ऑल ऑफ अस वी लव टू ट्रैवल आउटसाइड, बट व्हेन वी ट्रैवल आउटसाइड वी यूज अवर एनर्जी, एंड व्हेन वी ट्रैवल इनसाइड वी गेट अवर एनर्जी। तो मेडिटेशन वो है अंतर जगत की यात्रा, जिससे हम अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे और उस कारण हम प्रैक्टिकल लाइफ में औरों को क्षमा दे पाएंगे। और इस पूरे का सार मैं समझता हूँ 2 लाइन के अंदर समेटा जा सकता है कि ज़िंदगी भी एक सफ़र है, हम सब लोग जर्नी परफॉर्म कर रहे हैं लाइफ की, कि ज़िंदगी का सफ़र कुछ इस तरह आसान कर लिया, ज़िंदगी का सफ़र कुछ इस तरह आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। ओम शांति। ओम शांति। भाई भ्राता जी का और आदरणीय दीदी का भी बहुत बहुत थैंक्स। आप भाई साहब बहुत बिजी है, नीचे भी ऊपर भी, पांडव भवन सब जगह प्रोग्राम्स हमारी साइमल्टेनियस चलते हैं कैंपस में, और कट टू कट उनके सेशंस होते हैं।